हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 24 और 36 का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो लास्ट डेट चेक करें, 24 का 4 है, इसका 6 है। इसका क्या मतलब है, दोनों ही इवन नंबर, इवन मतलब 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में आ जाते हैं। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि देखिए जब लास्ट डेट 2 के टेबल में आ जाते हैं इवन नंबर है, तो ओवरऑल नंबर भी इवन है। ठीक है, 2 क्यों, क्योंकि एलसीएम है, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 ज़ा, 2 के टेबल में 4 आता है 2 ज़ा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है, तो ये कट करके 2 बन जाएगा। 2 के टेबल में 2 आ गया 1 ज़ा, 3 था कटो के 2 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आ गया 8 ज़ा। ये मैंने इसलिए सेपरेट किया कि अगर बहुत बड़ा नंबर हो तो आप उनको ऐसे कर सकते हैं डिवाइड 2 से। ठीक है, सेपरेट करके, लेकिन आपको अगर आपको डायरेक्ट पता तो आप लिख लें 18 2 ज़ा 36। अब यहाँ पर फिर से 2 ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 12 भी आ जाता है 6 ज़ा, 2 के टेबल में 18 भी आ जाता है 9 ज़ा। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 2 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता, तो क्या करें, फिर भी यहाँ पर 2 ही लेंगे, क्योंकि एक नंबर तो आ रहा है, मतलब 2 के टेबल में 6 तो आ रहा है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 ज़ा, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 का 9 वैसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में अब 3 आता नहीं आता, 9 भी नहीं आता, तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है 1 ज़ा, 3 के टेबल में 9 आता है 3 ज़ा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, 1 ज़ा आ जाएगा। एलसीएम के लिए सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 3 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 3 ज़ा 12, 2 इधर 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 6 में 1 प्लस करें 7, तो क्या आ जाएगा 72। तो एलसीएम 24 36 का क्या आ रहा है, 72 आ रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।